जा रहे हैं घर, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। एंकरिंग उतनी प्रॉपर नहीं हो पाई, बट फिर भी हुई है। परफॉर्मेंसेस जो आपने अभी देखी वो सारी थी और मज़ा आया। सो अब अभी के लिए गुड नाइट और मिलते हैं कल। बाय बाय। सो हम जा रहे हैं नेक्स्ट इवेंट के लिए, जो कि है अभी सुबह भात का प्रोग्राम और लड़की की हल्दी भी है, भी है। सो उसके बाद दिन तक हम फ्री हो जाएंगे और अब हम करेंगे डांस प्रैक्टिस मस्ती अपने घर की शादी के लिए। तो आपको सब देखने के लिए मिलेगा। स्टे ट्यून। पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ पर होने वाली है पूजा, भात की पूजा जिसे कहते हैं। मुझे पता नहीं है कि इसमें क्या होता है। बेसिकली बस इतना होता है कि जो मामा साइड लोग होते हैं वो दूल्हे के लिए कुछ जो लेके आते हैं उसको बोलते हैं। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग होगा, तो लेट्स सी। Yeah, man, I got it.
गर्ल पार्थवी है ना, पूछो क्या पूछ रहे थे। चलो आप बताओ क्या करोगे उन पैसों से। इसने तो आपको पहले ही बता दिया है ना, है ना, आपने इसको बता दिया ना आंसर, तभी तो। आप क्या करोगे बहुत सारे पैसों से? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं और ठंड लगे तो जला सकते हैं? नहीं, एक ही चीज है, उसको तीनों चीजें करनी है। क्या दिया? आप बताओ। इतना टाइम नहीं हमारे पास। घी, घी को खा सकते हैं भूख लगी तो? पी सकते हैं तो खा सकते हैं भूख लगे तो, ऐसा थोड़ी होता है। नो, चला पी सकते। इसका आंसर है नारियल। ऐसा नहीं होता हरा नारियल, हरा नारियल को तो खा भी नहीं सकते, पका हुआ नारियल होता है, उसके जो छिलके होते हैं ना उसको जला सकते हैं और जो अंदर का होता है उसे खा सकते हैं और इसमें पानी होता है उसको पी भी सकते हैं। देखा।